विनोद, बैठक बताई जा रही है कि आज होने वाली है जेजेपी और बीजेपी के बीच में, क्या गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है? निश्चित तौर पर बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच ये बैठक हो सकती है। बैठक को लेकर जो बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिली है कि गुजरात से भी जल्द वापस आ रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह जल्द वापस आ रहे हैं, इस बैठक को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक और अहम जानकारी दे दूं कि फिलहाल एक बैठक होनी थी और उस बैठक में भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल नहीं होते, लेकिन उस बैठक के लिए मुख्यमंत्री जो अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, क्योंकि अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, मनोहर लाल निकल चुके हैं उस बैठक के लिए। अब से कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में काफी चीजें साफ कर ली जाएंगी और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक आखिरी मोहर लगाने का काम किया जाएगा। और भोपाल कांडा को लेकर जो तमाम चीजें भी आप बता रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं जो फैसला है उसका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर ही लिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों के बीच ये कहा जा सकता है कि बैठकों का दौर अभी भी बीजेपी में शुरू है। सरकार के फॉर्मेशन को लेकर जो फॉर्मूला किया गया था कि निर्दलीय विधायकों को मिलाकर सरकार बना ली जाए, उस पर भी फाइनल मोहर नहीं लगी है। एक और बैठक के लिए मनोहर लाल हरियाणा भवन से निकल चुके हैं, बहुत कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर होगी इस वक्त की अहम जानकारी। और जो दूसरी बैठक की बात है उसको लेकर दो सोर्सेज से जानकारी मिली है, इस बैठक के भी देर रात तक आज होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को क्लियर कर दें थोड़ा, दो बड़ी बैठक एक तो होगी अमित शाह के साथ जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गृहमंत्री हैं, और एक जो थोड़ी देर में होने वाली है जैसा कि विनोद जानकारी दे रहे हैं वो होगी जेपी नड्डा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके आवास पर। खुद मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। पूरी तरह से कहा जाए तो सुबुगाहट भी तेज है और कवायद भी तेज है किसी तरह से हरियाणा में सरकार का गठन किया जाए। विनोद, बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जेजेपी या फिर निर्दलीय विधायक? देखिए, बीजेपी की सिर्फ एक प्रायोरिटी है और वो किसी भी तरह से सरकार बनाना है। उसके लिए जो विधायक अपना लेटर दे सकते थे, ये दावा किया जा रहा है कि 7 से 8 विधायकों ने अपने समर्थन का जो पत्र है वो सौंप दिया है। उसके अलावा उसकी स्थिरता को देखते हुए और जिस तरह से गोपाल कांडा पर भी सवाल उठे थे, उन तमाम चीजों को देखते हुए प्लान बी भी है और प्लान बी के तहत जननायक जनता पार्टी आती है। आपने पूछा प्राथमिकता क्या रहेगी, प्राथमिकता एक ही है कि 40 तक भले ही जनता की तरफ से जो विधायक चुनकर भेजे गए हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद 46 तक ना सिर्फ पहुंचा जाए बल्कि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जो कम से कम 5 साल चले और अस्थिर सरकार ना बने। उससे पहले जितने कयास लगाने हैं प्लान ए बी सी, उन तमाम प्लानों पर कहीं ना कहीं बीजेपी काम कर रही है। और यह भी कहा जा सकता है कि अगर जननायक जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दरवाजे बंद नहीं किए हैं किसी भी गठबंधन से, किसी भी सरकार के फॉर्मेशन से, तो बीजेपी की तरफ से भी ये मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि सरकार बनाने के लिए ना निर्दलीयों के साथ ना ही बीजेपी के साथ बीजेपी ने भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह से प्लान ए और बी या फिर हो सकता है और बी दोनों को मिलाकर एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, जिसके शपथ के बाद और तमाम चीजें बाद में सरकार की कुर्सियां जो होती हैं 4 कुर्सियां 4 निर्दलीय विधायक ना खींच लें, इसलिए एक और मजबूत फॉर्मूले के साथ सरकार का फॉर्मेशन चाहती है बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुभाष बराला ने बैठक से पहले क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं। अभी माननीय नड्डा जी के साथ बैठ करके और जो भी चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ही कुछ इस बात के ऊपर मैं कुछ बता पाऊंगा कि क्या किस प्रकार का आगे भविष्य में बातचीत होने। क्या जेजेपी को भी नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है। कौन कौन होगा सर बैठक? अभी मुझे नहीं पता, मेरे को यहाँ बुलाया गया तो मैं यहाँ पे आया हूँ।